नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। गाजियाबाद वीडियो केस में ट्विटर इंडिया के एमडी को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मनीष माहेश्वरी के खिलाफ यूपी पुलिस के नोटिस को रद्द कर दिया है। अब उन्हें गवाह के रूप में पेश होने के लिए, गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस दुर्भावनापूर्ण है। हाल ही में गाजियाबाद में एक बुजुर्ग को पीटने और दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे धार्मिक रूप से जोड़ने के बावजूद ट्विटर इंडिया की तरफ से कार्रवाई न करने के बाद यूपी पुलिस ने एक्शन लिया था। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें थाने में आने को कहा था। हालांकि इन सब के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को यूपी पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को वर्चुअल मोड के माध्यम से या उनके कार्यालय या घर पर जाकर उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हुए हमले के बारे में किए गए ट्वीट को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के इस कार्यकारी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा है कि माहेश्वरी को गवाही देने के लिए यूपी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। माहेश्वरी ने 23 जून को यूपी पुलिस के नोटिस को चुनौती दी थी। उन्हें एक नोटिस दिए जाने के बाद लोनी पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया था। माहेश्वरी ने इससे पहले वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ के लिए उपलब्ध होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पुलिस ने उनकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया। हालांकि अब कर्नाटक हाईकोर्ट से मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत मिल गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।